अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की पीठ का ऐतिहासिक फैसला। राम मंदिर बनने का रास्ता हुआ साफ। सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि न्यास को विवादित जमीन देने का फैसला सुनाया। मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में 5 एकड़ जमीन देने का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड का दावा किया खारिज। मंदिर बनाने के लिए एक ट्रस्ट बनाई जाएगी। 3 महीने के अंदर केंद्र सरकार को ट्रस्ट बनाने का आदेश। फैसले को लेकर संतुष्ट नजर नहीं आए जफर याब जिला ने। प्रधानमंत्री मोदी हार जीत की नजर से ना देखे। दशकों पुराने मामले का निकला सौहार्दपूर्ण समाधान। भारत और पाकिस्तान के बीच खुला ऐतिहासिक करतारपुर साहिब कॉरिडोर। प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन के दौरान लंगर में खाया प्रसाद। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह भी रहे मौजूद। पीएम मोदी ने भारत की भावनाओं का सम्मान के लिए इमरान खान का धन्यवाद किया। नेपाल के बीरगंज में एक कार्यक्रम में गोविंदा पहुंचे। नेपाल से बताया अपना रिश्ता, भोजपुरी अंदाज भी दिखाया। गाना गाकर और डांस करके लोगों का जीता दिल। हॉकी के पुरुष वर्ल्ड कप के लिए भारत को दोबारा से मेजबानी का मौका दिया गया है। इसी के साथ अब भारत लगातार 2 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट की मेजबानी करने वाला पहला देश बन गया है। इससे पहले भारत ने 2018 में भुवनेश्वर में पुरुषों के हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन किया था। भारत अब 2023 में होने वाली पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा।